आज हमारा क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वियर्स पार्ट फर्स्ट ए टू डिजिट नंबर, पार्ट सेकंड ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एंड पार्ट थर्ड ए नंबर डिविजिबल बाय 5। आज हमारा क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वियर्स पार्ट फर्स्ट ए टू डिजिट नंबर, पार्ट सेकंड ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एंड पार्ट थर्ड ए नंबर डिविजिबल बाय 5। एक बॉक्स में 90 डिस्क है और जिन पर जो नंबर लिखे हुए हैं वो 1 से लेकर के 90 तक है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, और बॉक्स से एट रैंडम एक डिस्क निकाली जाती है, ड्रा की जाती है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी That it bears part first a two digit number। कहता है कि टू डिजिट नंबर की प्रॉबिलिटी हमने पार्ट फर्स्ट में फाइंड आउट करनी है और पार्ट सेकंड में ए परफेक्ट स्क्योर नंबर। पार्ट सेकंड में जो परफेक्ट स्क्योर नंबर हैं उसमें से उनकी प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करनी है और पार्ट थर्ड में ए नंबर डिविजिबल बाय 5। पार्ट थर्ड में हमने उस नंबर की निकालनी है जो डिविजिबल बाय 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क इन ए बॉक्स कितनी है, 90। The disks are numbered from 1 to 90, therefore sample space S वन से लेकर के 90 तक उन पर लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 up to 90। तो NS कितना हो गया, 90। NS कितना हो गया, 90। सिंस वो क्या कहता है, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, सिंस वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वियर्स ए टू डिजिट नंबर पार्ट फर्स्ट। Let A is the event getting two digit number, let A is the event getting two digit number। तो A क्या हो गया, अब इसमें हमने two digit number लेने हैं, तो 10, 11, 12, 13, 14 up to 90। तो एन ए कितना हो गया, अब देखिए 1 से लेकर के 90 तक जे 90 है, ठीक है। तो हमने टू डिजिट नंबर लेने,
यानी कि सिंगल डिजिट जो है वो छोड़ देना है। तो वो क्या छोड़ने हैं हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 9 डिजिट है, 1 डिजिट नंबर, ये हमने छोड़ देने हैं, इसके आगे लेने हैं। तो 9 उसमें से हम निकाल देंगे तो बाकी कितने रहेंगे, 90 माइनस 9 = 81, कितने रहेंगे 81। तो therefore इट प्रोबेबिलिटी दैट इट वेयर्स ए टू डिजिट नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वेयर्स ए टू डिजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू डिजिट नंबर। वो क्या होगी, एन ए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टू डिजिट नंबर वाली कितनी है, 81, और टोटल कितनी है, 90। तो ये हमारे पास आ गया 9 × 9 / 9 × 10, 9 9 कैंसल 9/10, ये इसका आंसर है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टू डिजिट नंबर क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टू डिजिट नंबर होगी एन ए अपॉन एन एस दैट इज 9/10। और सेकंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वेयर्स ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे 1² 1, 2² 4, 3² 9, 4² 16, 5² 25, 6² 36, 7² 49, 8² 64 and 9² 81। तो ये जो नंबर है, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या क्या नंबर हो गए हमारे पास, लेट बी इज द वेंट गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो बी क्या होगा, 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या है, 4, 1 होगा, 4 होगा, 3 का स्क्वायर क्या है, 9, 4 का स्क्वायर क्या है, 16, 5 का क्या है, 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। ये जो नंबर है, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर। और अब एन एस यानी कि एन बी जो है, एन बी यहां पर कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, दैट इज 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन एस दैट इज इक्वल टू, एन बी कितना है, 9 9 अपॉन 90 दैट इज इक्वल टू
नाइन इंटू वन अपॉन नाइन इंटू टेन, नाइन एंड नाइन कैंसल, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन टेन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज वन अपॉन टेन. और थर्ड, ए नंबर डिविजिबल बाय फाइव. अब फाइव से नंबर डिविजिबल वाला कौन सा होता है? ऐसा नंबर जिसकी वन्स प्लेस पर जीरो हो या फाइव हो. तो ऐसा नंबर जो है वो फाइव से डिवाइड होता है. एक तो ये है. दूसरा क्या है कि ऐसा नंबर जो फाइव के टेबल में आता है, आपने वो ध्यान रखना है. तो वन से लेकर के नाइन्टी तक फाइव के टेबल में जो आने वाला नंबर है वो हमने लेने हैं और उनमें से एक नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी. लेट सी इज द इवेंट getting a number divisible Wi-Fi. तो क्या होगा? ये क्या होगा? फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी फोर्टी फाइव फिफ्टी फिफ्टी फाइव सिक्सटी सिक्सटी फाइव सेवेंटी सेवेंटी फाइव एटी एटी फाइव एंड नाइन्टी. तो एन सी कितना हो गया? एन सी हो गया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एटीन हो. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन अपॉन अभी तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. एन सी हो गए एटीन. Therefore, probability of C, that is probability of getting a number divisible by five and C upon NS. Number of favorable outcomes over total number of outcomes. तो favorable outcomes क्या है? Number divisible by five, तो वो है 18 upon 90. 9 2s are 18, 9 10s are 90, 9 9 कैंसल, 2 upon 10, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 and 2 कैंसल, 1 upon 5. तो इस तरीके से हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो
क्वेश्चन नंबर 19, ए चाइल्ड हैज ए डाई हूज सिक्स फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो, ए बी सी डी ई ए। द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पार्ट फर्स्ट ए पार्ट सेकंड डी। क्वेश्चन क्या है, ए चाइल्ड हैज डाई, एक बच्चे के पास एक डाई है और उसके हर एक फेस पर, जैसे पहले फेस पर ए लिखा है, दूसरे पर बी, तीसरे पर सी, चौथे पर डी, पांचवें पर ई और छठे पर ए, जैसे दूसरी डाई पर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 के बजाय ए बी सी डी ई और ए लिखा है। द डाई इज थ्रोन वंस, और डाई को एक बार थ्रो किया जाता है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डी, पार्ट फर्स्ट में ए है और पार्ट फर्स्ट सेकंड में, गेटिंग ए कितनी होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी कितनी होगी। तो सिंस ए डाई consists of six faces having six numbers that is A, B, C, D, E, ए, तो देयरफॉर सैंपल स्पेस एस क्या होगा, ए बी सी डी ई ए, और एन एस कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, सिक्स होगा पार्ट फर्स्ट। द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, since a die is thrown once, therefore probability let हम कोई event मान लेंगे, A और D है तो हम B लिख लेंगे, let B is the event, that B is the event getting A, हम B एक event मान लेते हैं, B भी रहने देते हैं क्योंकि यहां पर B already दिया हुआ है, हम M ले लेते हैं, let M is the event getting A, therefore M is equal to, अब इसमें कितने ए हैं, एक यहां पर है और एक यहां पर है, तो एन एम टू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एम दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of m, that is probability of getting a when a die is thrown once equal to nm upon ns, nm कितना है, 2, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स ओवर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल कितनी है 6, 2 1 2 2 3 6, 2 2 कैंसल, 1/3। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द लेटर ए
when a die is thrown once is 1 upon 3. Let P is the event getting D when a die is thrown once. पर सेकंड है ये, तो देयर फोर पी इज इक्वल टू डी, कितनी बार आ रहा है, एक ही है यहां पर, ये आ गया, एंड पी इज इक्वल टू 1. देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पी, probability of getting P event है हमारे पास, probability of getting D when a die is thrown once is equal to एन पी अपॉन एन एस. तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, क्योंकि डी चाहिए थी हमें, तो ये एक है, 1/6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, हमने ये जो है इस क्वेश्चन में निकाल दिया.